Hello my dear kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning Science of Class 4 by Brain Root series, and here's a book, Science Spark. Today we are going to start with chapter number 6 and the name is Plants, the Food Factories. Children, do you know that plants are the food factories? Yes, they produce food for each and every living being. And this is unit 3 of your book, The World of the Living. So children, we are going to learn about leaf, food preparation in plants, energy flow in living things. Animals and plants depend on each other and balance in nature. So these all topics we are going to cover in this chapter. Let's start with the warm-up exercise. So some functions of plants are given below. Yahan pe kuch functions diye gaye hain plants ke. You have to match the functions to the parts of the plant. आपको जो parts हैं plant के उनके साथ match करना है. So it holds the plant firmly to the ground. Ground से ये plant को पकड़ के रखता है. So what is it? It is the root. तो root से आपको first point को match करना है. Similarly read the rest and match it here. Children, all of us eat fruit and vegetables. हम सबको fruits और vegetable खाना अच्छा लगता है ना? But have you ever wondered where do they come from? ये कहाँ से आते हैं? So all fruits and vegetables that we eat come from plants. जो भी ये fruits vegetables हम खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? Plants से आते हैं. The animal world depend either directly or indirectly upon plants. So ये जो animal world है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करता है फूड के लिए. बट हैव यू एवर थॉट वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम? प्लांट हमें तो खाना देते हैं लेकिन उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? सो ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड. ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ऐसे प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. इट इज अ ग्रीन लीफ दैट मेक्स फूड फॉर प्लांट्स. ग्रीन लीव्स क्या करते हैं? पेड़ों के लिए खाना बनाते हैं. एंड लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. सो जो लीव्स हैं क्यों गर्म ये क्यों ग्रीन होते हैं? ग्रीन होते हैं इसका जो मेन रीजन है क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. तो इस सब्सटेंस की वजह से ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रीन होते हैं या जो लीव्स हैं वो ग्रीन होते हैं. सो चिल्ड्रेन लेट्स लर्न अबाउट लीव्स फर्स्ट. सो प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव. अलग अलग प्लांट्स के आपने देखे होंगे अलग अलग तरीके के लीव्स होते हैं. वी कैन जनरली आइडेंटिफाई द प्लांट बाय लुकिंग एट इट्स लीव. हम प्लांट को उसके पत्तों को ही देख के पहचान जाते हैं. Let's learn about the parts of a leaf. अब leaves के कौन कौन से part होते हैं? Take a leaf and observe it carefully. आपको एक पत्ता लेना है उसे ध्यान से देखना है. You will find that it has many parts. उसके बहुत सारे parts होते हैं. Now turn the leaf over and look closely under a magnifying lens. अब leaf को उल्टा करें और magnifying lens के नीचे देखें. There are many tiny holes called stomata. यहाँ पे बहुत छोटे छोटे holes होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं. प्रेजेंट ऑन द अंदर साइड ऑफ द लीफ. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के नीचे प्रेजेंट होते हैं. दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीद. ये प्लांट को हेल्प करते हैं ब्रीद करने में, सांस लेने में. लेट्स स्टडी इन डिटेल हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं. लेट्स सी वॉट आर द पार्ट्स ऑफ लीफ. सो पहले आप देख सकते हो this part is the leaf stalk. The part attached to leaf to stem or branch. तो ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं leaf stalk. Next आता है side veins. आप देख सकते हो ये जो veins हैं ये जो अलग से lines जा रही हैं हम side veins कहते हैं. A number of veins found all over the leaves. बहुत सारे veins जो पूरी leaf में spread out होते हैं उन्हें side veins कहते हैं. अब बात आती है मिड रिब की. सो मिड रिब इज दिस इज द मिड रिब एंड इट इज द मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ. ये मेन वेन है जो लीफ के बीच से जाती है. फिर आता है एपेक्स द टिप ऑफ द लीफ.
जो लीफ का टिप है उसे हम एपिक्स कहते हैं. नेक्स्ट कम्स लैमिना और लीफ ब्लेड. लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ. सो लैमिना क्या है, ये जो लीफ का ये जो पार्ट है ब्रॉड पार्ट, इसे हम लैमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं. सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न हाउ फूड इज प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स. प्लांट्स जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं. सो लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. दे आर देयरफॉर कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. इन्हें हम किचन या फिर फूड फैक्ट्री कहते हैं प्लांट्स के. लीव्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स में एक हरे रंग का सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. द क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीव्स. क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है जो उनके ऊपर पड़ता है. एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीव. उसी समय पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करता है लीफ में, उनके छोटे छोटे ये जो ओपनिंग है स्टोमेटा उनसे. वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट मूव अपवर्ड्स टू रीच द लीव. अब जो पानी, जो रूट्स जो है पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं वो लीव्स तक जाता है. एंड इट गोज थ्रू स्टेम एंड द वेन्स. जो स्टेम है और जो वेन्स हैं उसकी मदद से ये पानी लीव तक पहुँचता है. अब क्योंकि ये सारी चीज़ें लीव तक पहुँच गई, द क्लोरोफिल यूजेस सनलाइट फॉर एनर्जी एंड चेंजेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू शुगर. अब क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को यूज करता है एनर्जी के लिए और चेंज कर देता है वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में. दिस शुगर इज प्लांट फूड. और ये जो शुगर है ये प्लांट का फूड कहलाता है. चिल्ड्रन डू यू नो दैट मशरूम्स आर नॉट ग्रीन एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. आपको पता है कि जो मशरूम्स हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं और अपना खाना खुद नहीं बना पाते. दीज प्लांट्स लिव ऑन डेड मैटर. ये डेड चीज़ों पे जीवित रहते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाई यूजिंग सनलाइट इज फोटोसिंथेसिस. सो ये जो तरीका है खाना बनाने का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द लीव्स. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो लीव्स प्रोड्यूस करती हैं एंड इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा और स्टोमेटा उसे बाहर निकालता है. So, the food prepared by photosynthesis is used for the growth of the plant. अब ये जो खाना बनता है photosynthesis की वजह से, ये plant के growth में काम आता है. जो भी extra food है वो change हो जाता है into substance called starch. अब ये जो भी extra food है वो starch के form में उस plant में store हो जाता है and stored in different parts of the plant. और plant के अलग अलग parts में store हो जाता है. कहीं पे फ्रूट में स्टोर हो जाता है, कहीं पे इसके रूट्स में स्टोर हो जाता है. एंड ये यू कैन सी दिस फुल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो क्या कर रहे हैं, रूट से वाटर ऊपर जा रहा है, शुगर और स्टेम के थ्रू लीव्स तक जा रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की इसमें जा रहे हैं, सब मिक्स हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हो रहा है एंड रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन गैस एंड सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. तो आप देख सकते हो जो रेड लाइन है ये क्या है, प्लांट्स में जा रही है, और ये जो ब्लू लाइन है दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लांट एंड दिस होल इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ चिल्ड्रन डू यू नो टू शो दैट स्टोर्ड फूड इन पोटैटो इज स्टार्च. सो यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज करनी है, एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें ये बताना है कि जो पोटैटो है उसमें जो भी फूड स्टोर होता है वो एक स्टार्च होता है. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ बॉटल ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. आपको एक बॉटल लेना है जिसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए. इट इज़ पेल येल्लो और ब्राउन कलर. वो आयोडीन सॉल्यूशन कैसा होता है, पेल येल्लो या फिर ब्राउन कलर का होता है.
बट वेन आयोडीन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ स्टार्च, जब ये आयोडीन स्टार्च के कॉन्टैक्ट में आता है, इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक. इसका कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हो जाता है. टेक अ स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन. आपको एक पोटैटो का स्लाइस लेना है और कुछ बूंदे डालनी है आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की उस कट सर्फेस पे. आप क्या देखेंगे, वहाँ पे कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे. द आयोडीन सोल्यूशन चेंज टू ब्लू ब्लैक. ये जो आयोडीन सोल्यूशन है ये ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस शोज दैट पोटैटो कंटेन्स स्टार्च. और ये दिखाता है कि पोटैटो में स्टार्च होता है. सो कट पोटैटो, आयोडीन सोल्यूशन वी आर मिक्सिंग एडिंग टू द पोटैटो एंड कलर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन चेंजेस. Now let's move on to test your skills. Which of the following shows the process of photosynthesis correctly? किस में जो है आपको photosynthesis जो है अच्छे से होता हुआ दिख रहा है. तो यहाँ night है, carbon dioxide अंदर जा रही है, oxygen निकल रही है. No, this is wrong. Carbon dioxide अंदर जा रही है, oxygen बाहर आ रही है. This is correct. Oxygen अंदर जा रही है, carbon dioxide निकल रही है. This is again wrong. So the second picture is correct. Now children, here is another activity that you have to do. The aim of this activity is to show that only green plants can photosynthesis. So ye activity batayegi ki sirf jo green plants hai usme hi photosynthesis ho sakta hai. So the things required are a leaf with two colors. Leaf lene hain jiske do colors hain. Could be a variety of hibiscus or with a white and green leaf. वाटर होना चाहिए, बीकर होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन होना चाहिए. नाउ हियर इज द मेथड. टेक द लीफ एंड बॉइल इट इन वाटर. लीफ को लेना है, पानी में बॉइल करना है. देन बॉइल इट इन स्पिरिट एंड वॉश इट विथ कोल्ड वाटर. अब उसे जो है बॉइल करना है स्पिरिट में और ठंडे पानी से धोना है. नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. अब थोड़े से ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के उस पर डाल देने हैं. You will observe that the green portion of the leaf turns bluish black. जो green portion है leaf का वो bluish black हो जाता है, while the white portion of the leaf does not. लेकिन जो white portion है वो change नहीं होता. This shows that only the green part of the leaf which had chlorophyll. इससे पता चलता है जो green part है leaf का जहाँ पे chlorophyll था could carry out photosynthesis. यही part से photosynthesis को carry on कर सकता है and the non-green part could not. लेकिन जो non-green part है वो photosynthesis को carry on नहीं करता. Hence chlorophyll is necessary for photosynthesis. तो इससे ये पता चलता है कि chlorophyll जो है बहुत ज़्यादा important है. किस चीज़ के लिए? Photosynthesis के लिए. Now let's learn about energy flow in living things. कैसे energy flow होती है living things में. So all of us need energy for various activities. अलग अलग काम करने के लिए हमें energy चाहिए. We get this energy from the food that we eat. ये energy हमें कहाँ से मिलती है? उस खाने से जो हम खाते हैं. This food is prepared by the green plants. ये जो खाना है green plants prepare करते हैं. ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी. अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सूरज की जो एनर्जी है उसे इकट्ठा कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस से और अपना खाना बना लेते हैं. अब ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज पास ऑन टू लीव्स एंड टू द एनिमल्स व्हेन दे ईट दिस प्लांट्स. अब ये जो एनर्जी है, हर्बीवोरस एनिमल्स जब इन्हें खाते हैं तो वो एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाती है उन हर्बीवोरस एनिमल्स में. In this way, the energy from the sun goes to the plant and then to the animal. अब इस तरीके से वो प्लांट की एनर्जी, सन की एनर्जी प्लांट में आई, प्लांट की एनर्जी एनिमल में गई एंड देन टू ह्यूमंस, और फिर वो एनर्जी ह्यूमंस तक पहुंच गई. दिस फॉर्म ऑफ अ काइंड ऑफ चेन. ये क्या करता है, एक तरीके का चेन बनाता है. वेयर एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू द प्लांट्स एंड देन टू द एनिमल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो फॉर्म फूड के फॉर्म में एनर्जी जो है कंटिन्यूसली मूव ऑन करती है. सच चेन इज कॉल्ड अ फूड चेन, और इस चेन को हम फूड चेन कहते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में कैसे प्लांट ने सन की एनर्जी ली. अब प्लांट से एनर्जी जो है ये हर्बीवोर एनिमल्स ले रहे हैं. अब इन हर्बीवोर एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खा रहे हैं एंड फिर
ये एनर्जी हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जा रही है, फिर ये जो कार्निवोर्स हैं ये मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो डिकम्पोज होने के बाद जो है डिकम्पोजर्स जो हैं उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं और फिर वहाँ पे नया प्लांट उग जाता है, फिर से एक नई एनर्जी फ्लो होती, फिर इसका मतलब है कि एनर्जी नेवर गेट्स लॉस, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इट नेवर गेट्स ओवर, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो एनर्जी यूज अप एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन, वी हैव लर्न थ्रू दिस डायग्राम. नाउ लेट्स लर्न अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. तो अब हम पढ़ेंगे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. सो प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर. ये जो प्लांट्स एनिमल और जो ह्यूमन बींग है वो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं. प्लांट्स गिव फूड शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू अस. प्लांट्स हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं एंड टू एनिमल्स ऑल्सो. इन टर्न वी गिव देम कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बदले हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, विच इज़ यूज बाई प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ये कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करने के लिए. दिस वे प्लांट्स हेल्प टू प्योरीफाई एयर, और इस तरीके से प्लांट एयर को प्योरीफाई करते हैं. इम्प्योर एयर दैट कैरीज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर अस एंड एनिमल्स. अब ये जो ऑक्सीजन लेस एयर है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ एयर है, ना हमारे लिए अच्छा है ना ही एनिमल्स के लिए अच्छा है. वी ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स एंड देयरफॉर हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर. हम क्या करते हैं, प्लांट के सीड को स्प्रेड करने में उनकी हेल्प करते हैं, जिससे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो इस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हम देते हैं. अब फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जो प्लांट्स फिर से ले लेते हैं. सो ये क्या है, गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बताता है कि हम दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द बैलेंस इन नेचर. अ बैलेंस नीड टू बी मेंटेन बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, इन सब के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. What will happen if there is a sudden increase in number of animals? क्या होगा अगर बहुत सारे animals एकदम से बढ़ जाएं? Plants may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. तो क्या होगा ऐसे में, plants जो है proper amount में जो है food और oxygen जो है and animals को नहीं दे पाएंगे. Or if there is a sudden increase in the number of plants, the carbon dioxide breathed out by animals may not be enough for the plants. So, अगर मान लो कि एकदम से plants की संख्या बढ़ जाती है, तो carbon dioxide इतना नहीं होगा जो plants ले सकें और अपने आप को survive कर पाएं. Similarly, if there is a sudden decrease in the number of either plants or animals, it will disturb the balance of nature. इसी तरीके से चाहे प्लांट ज़्यादा हो जाएं चाहे एनिमल ज़्यादा हो जाएं, जो नेचर का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. तो दोनों को इक्वल अमाउंट में होना ज़रूरी है ताकि बैलेंस जो है नेचर का वो मेंटेन रह सके. अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सेंचुरीज. सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है उसके अंदर क्या होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इन्हें अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है फॉरेस्ट रिजर्व्स में और सेंचुरीज में. प्रोग्राम्स जैसे कि वन महोत्सव, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रमोट करने में प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को प्लांट करने में ये हेल्प करते हैं. पीपल आर मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज बाई द कॉन्टीन्यूस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. लोगों को क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज किए जाते हैं इन कंटिन्यूस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से, बार बार पेड़ों को काटने की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है.
इफ लाइफ ऑन अर्थ हैज टू गो ऑन, अगर अर्थ पे लाइफ कंटिन्यूसली आगे जाता रहना चाहते हैं आप, तो जो बैलेंस है नेचर का उसे मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है. नाउ चिल्ड्रन लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न हियर थ्रू फ्लैशबैक. सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, द लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ आर द लीफ ब्लेड, द वेन्स, द स्टोमेटा एंड द पेटियोल. The process by which the leaf prepare food is called photosynthesis. Energy flows from the sun to the plants and then to animals. A balance between plants and animal life is needed for life on earth to go on. So now children, let's move on to new words. Here the first word is chlorophyll. So the green substance in the leaf is chlorophyll. Now photosynthesis, the process by which green plants, the green parts of the plant prepare food in the presence of sunlight, water and carbon dioxide is photosynthesis. Next comes food chain. A chain that shows how living beings obtain food is food chain. Next comes stomata. Tiny pores in the lower surface of the leaf is stomata. So these were the new words that you have to revise, children. Now let's move on to book exercise. Here A exercise is tick the correct option. So the first question over here is plants prepare food by the process of, jo plants hai wo food ko prepare karte hain kis process se, through photosynthesis. Now second one is what gives green color to the leaves. So green color is through chlorophyll. Now the rest two questions are your homework, children. Do them yourself. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. So here children, the first question is dash plant can make their own food. So green plants can make their own food. Dash attaches a leaf to the stem or branch. So it is leaf stalk. It attaches a leaf to the stem or branches. So like this, children, do the rest three questions yourself. Now let's move on to give reasons for the following. Most leaves are green in color because green color helps them, has chlorophyll which helps them to produce their own food. Now the main vein of the leaf has a double pipeline of cells. So yes, the main vein of the leaf has a double pipeline of cells because it helps in transporting water and minerals to all the parts of the leaves. Now, rest questions are your homework, children. Do them yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. So the first one is draw and label a diagram of parts of a leaf. So you have to make a leaf banana hai aur uske kaun kaun se parts hai, you have to label them. What does a plant require to make food? So plants need carbon dioxide, sunlight, water, minerals and chlorophyll. So then in the presence of all these things, plants can make their own food. Now, does photosynthesis take place 24 hours of the day? Why? So what you have to do, children, you have to write down the answer of these three questions yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope you have understood the different parts of the plants and how they work. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.